हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रहमत अली या ऑप्शन डी इकबाल। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग कुछ का जवाब बताएं तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी इकबाल। तब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। ऑप्शन है मलयालम, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु या ऑप्शन डी बांग्ला। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी बांग्ला। तो आज का हमारा 3रा क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए मार्च 1849, ऑप्शन बी दिसंबर 1845, ऑप्शन सी सितंबर 1857, ऑप्शन डी दिसंबर 1837। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दिसंबर 1845। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी सतवाहन, ऑप्शन सी वाकाटक, ऑप्शन डी पल्लव। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए चालुक्य। आज का हमारा है 5वां क्वेश्चन, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। ऑप्शन ए देवीधुरा, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी लोहाघाट। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए देवीधुरा। तो आज का हमारा है 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी पूर्णिया। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कटिहार। हमारा 7वां क्वेश्चन, ऑफिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी उछाना, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी भिवानी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उछाना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तु कला का अप्रतिम उदाहरण है वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दतिया में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी ओरछा में या ऑप्शन डी खजुराहो में। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब ऑप्शन ए दतिया में। नंबर 9 है, ऋतु संहार कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचना है। तो आपके पास अब ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए कालिदास। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मी। तो ये थे आज के हमारे 10 जीके क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा
और कमेंट में बताएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।